ये बहुभाषिकता एक सिंपल अर्थ। दूसरा ये इस अर्थ में भी बहुभाषिकता कि हमारे इर्द गिर्द इतने ज्यादा भाषाएं हैं कि हर भाषा दूसरी भाषा से प्रभावित हो रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो कोई एक भाषा भी बहुभाषिक हो जाता है। यानी जब मैं भी बात कर रहा हूँ तो बीच में कुछ अंग्रेजी शब्द आ ही रहे हैं, आप भी जब बात करते तो अंग्रेजी शब्द भी ले आते हैं, उर्दू शब्दों को भी ले आते हैं, तो ये हर भाषा का भी एक स्वभाव बन गया है कि वो भी अपने आप में बहुभाषी हो चुका होता है। तो एक बहुभाषिकता या बहुभाषिक स्थिति जो है एक वास्तविकता है, और चूंकि ये वास्तविकता है और ये दो चीजों के कारण, पहला ये कि एक तो बच्चे की घर की भाषा जो अलग है और बच्चे ने अब तक जो ज्ञान निर्माण किया है, जो दुनिया के बारे में समझा है, वो एक अपनी घर की भाषा में सीखा है, और सीखने की प्रवृत्ति होती है कि पहले से सीखी गई चीज का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी नई चीजों को सीखते हैं। इसलिए मल्टीलिंगुअलिटी या बहुभाषिकता एक रिसोर्स के रूप में देखा जाना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ये बहुत कम है। दूसरा इसलिए भी ऐसा वातावरण होता है जिसमें भाषा मेरी पहचान है, और उस पहचान के साथ में यदि मेरी भाषा को भी कक्षा कक्षा में स्थान मिलता है, जगह मिलती है, तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे अपने जैसा लगता है। और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, आप जिस जगह आपको कितनी खुशी होती है, मैं यदि वहां साउथ में जाऊं वहां को छत्तीसगढ़ी बोलने वाला मिल जाए तो बहुत खुशी होगी, निश्चित रूप से आप सबके साथ यही होगा। क्यों? क्योंकि भाषा मेरी पहचान है, मेरा अपना है, तो मैं उसी से बना हुआ हूँ। तो इसे कैसे बोलते हैं आपकी भाषा में, या इस शब्द के लिए आपकी भाषा में क्या शब्द है, आपको अच्छा लगता होगा। क्यों? क्योंकि माय लैंग्वेज इज बीइंग वैल्यूड, मेरी भाषा का कीमत जान है और उसी से मैं बना हूं, और वो यदि कक्षा कक्ष में मुझे मिले तो मेरे लिए सीखने का वातावरण बहुत सहज और घर जैसा सुखद और सारा सहज हो जाएगा। इसलिए भी जरूरी है। तो मल्टीलिंगुअलिटी एक रियलिटी है, बहुभाषिकता एक वास्तविक स्थिति यथार्थ स्थिति है। इसलिए और सीखने की शर्त भी यही है कि जो पहले से सीखा गया है उस पर नया सीखना होगा, इसलिए भी उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। तो कक्षा कक्ष में बच्चे की घर की भाषा में स्थान मिले तो सीखना ज्यादा सरल आसान और सीखने की प्रकृति के अनुकूल हो जाता है और बहुत आसान हो जाता है। तो मल्टीलिंगुअलिटी एक उस रूप में हमको देखना होगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं चुनौती के बारे में। चुनौती तो है, चुनौती किस लिए है? मैं एक शिक्षक हूं और मैं किसी अभी जो नियुक्ति होती है साधारण बनी होती कि आपको कौन सी भाषा आती तो उसको वहां देख दिया जाए, आप जो भी है पूरा ओवरऑल आपको कहीं भी आपको पोस्टिंग मिलेगी, और तो चुनौती है कि नहीं है? तरह चुनौती है ना, क्योंकि आप बच्चा क्या कर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, फिर आप जो कर रहे हो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो ये एक प्रकार की चुनौती है जिसमें सारे के सारे बच्चे एक भाषा को बोलते हैं, उनके घर की भाषा जो है स्कूल की भाषा से अलग है। मतलब एक उदाहरण के लिए बताऊं, मान लो सारे के सारे बच्चे छत्तीसगढ़ी बोलते हैं और स्कूल की भाषा अलग है और शिक्षक को छत्तीसगढ़ी नहीं आती, चुनौती है। इससे बड़ी चुनौती बताता हूं, एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा को बोलने वाले बच्चे मौजूद हैं, है ना? और ये खास तौर से ना कहां पर होता है, जो बॉर्डर एरिया है ना, जो जिसे दूसरे प्रदेश लगते हैं, ऐसे जो पास के क्षेत्र, तो उस तरफ के भी बोलने वाले लोग भी रहते हैं। तो एक ही कक्षा में हो सकता है कि तेलुगु की चुनौती है, ऐसी कई चुनौतियां हो सकती है। एक चुनौती ये भी हो सकती है कि उस कक्षा कक्ष में कोई लिंक लैंग्वेज नहीं है कि जिसके माध्यम से शिक्षक जो है सारे बच्चों को एड्रेस कर सके, कोई एक ही है तब काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा भी कई बार मुश्किल हो जाता है कि लिंक लैंग्वेज नहीं है। मतलब एक बच्चा जो है मान लो जाए बंगाली और हिंदी समझ रहा है और एक बच्चा जो है तेलुगु और छत्तीसगढ़ी समझ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सबके सब एक भाषा को समझे ऐसे ऐसी कोई भाषा वहां मौजूद नहीं, ये बड़ी चैलेंज। तो इसमें जी तो एक चुनौती है और इस चुनौती को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये है, इस रियलिटी में जैसा है वैसा आपको पहचान करना पड़ेगा। अब इस चुनौती के साथ में चूंकि मल्टीलिंगुअलिटी एक रिसोर्स है, हम जानते हैं रिसोर्स है, और रिसोर्स के तीन कारण मैंने गिना है। पहला कारण, सभी भाषाओं में कुछ साझी निपुणताएं होती है। दूसरा, कॉन्सेप्ट सीखे जा चुके हैं, केवल लेवल का नामकरण का अंतर होगा। और तीसरा, पराभाषा सीखना, यानी एक भाषा से दूसरे भाषाओं को तुलना करने से और सीखना बेहतर हो जाता है तुलना से। इन तीन कारणों से मल्टीलिंगुअलिटी एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। सवाल है कैसे?
तो देखिए अभी ये मल्टीवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अभी बहुत सारा काम अभी चल गया है और इसमें